बना ली है और ये अपना सुरक्षित कहीं बैठ जाए। हम जा मौके पर ठीक है, जो जमीन हो देखो ठीक है, यदि तालाब पर किसी तरफ ये शायद चौथी बार टावर पे चढ़ा है। इससे पहले सपा की सरकार में कई बार टावर पे चढ़ चुका है। इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए थे, गुंडा एक्ट वगैरह लगाई गई थी, जबकि उसमें दोषी नहीं था, लेकिन सरकार ने अपनी मानसिकता को छुपाने के लिए झूठे मुकदमे लगाए थे। इस बार ये चढ़ाए अवैध कब्जे को लेकर, कलान में एक सरकारी जमीन है, इस पर अवैध कब्जा कुछ लोगों द्वारा कर लिया गया है, तो उसकी शिकायतें कुछ जगह की होंगी, पर उसको शायद कुछ राहत नहीं मिल पाई और उन लोगों द्वारा धमकी वगैरह दी गई जान से मारने की। इस बात से वो होगी ऊपर चढ़ा है, उसकी अवैध कब्जे को छुड़ाने की मांग है। मैं एक साथी के साथ में टावर पर चढ़े हुए हैं और अपनी भूमि विवाद की कोई समस्या बता रहे हैं, लेकिन ये अर्धविक्षित व्यक्ति है और इसे कहा जा रहा है कि भाई आवाज तुम्हारे साथ में चल के निस्तारण किया जाएगा, तो ये ऊपर से ही अपनी बात मनवाना चाह रहा है एक तरह का दबाव डाल के।